फ्रेंड, आज हम बहुत महत्वपूर्ण विषय पे बात करेंगे। वो अक्सर हमें फील्ड में देखने को मिलती हैं और हमें बहुत सारी समस्या होती हैं। उस केस का नाम है प्रोलेप्स इन लार्ज एनिमल। बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत कठिन काम है, लेकिन इसको हम आसान कैसे बनाएं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आसान हम इसको मेडिसिन के माध्यम से बना सकते हैं, फिजिकली हम इससे आसान नहीं बना सकते हैं। कुछ विधियां ऐसी हैं जिसे हम इसको आसान बना सकते हैं, लेकिन जो पहला है हमारा, वो मेडिसिन से हम उसको एनिमल को रिस्ट्रेन को रोकें, और अगर एनिमल को उसके बाद रिस्ट्रेनिंग को मेडिसिन से रोक देते हैं तो उसका सॉल्यूशन हमारा बहुत ही आसान हो जाता है। तो जब भी हमारे पशु को प्रोलेप्स होता है तो सबसे पहले हमें इपिड्यूरल एनेस्थीसिया की आवश्यकता होती है और वो हम अपने पशुओं को लगवाते हैं। तो इपिड्यूरल एनेस्थीसिया क्या होता है, कैसे लगाते हैं, इसके बारे में मैं जानकारी दे रहा हूँ कि इपिड्यूरल एनेस्थीसिया जो होता है सेक्रोकोक्सीजियल रीजन पे लगाते हैं, और सामान्य भाषा में बोलेंगे तो पूंछ और जो कमर पीछे का भाग रहता है उसके जो जॉइंट पे जंक्शन पे लगाते हैं। और ये जो लगाने का तरीका है बहुत ही आसान है, लेकिन इसको एक्सपर्ट के माध्यम से ही लगाया जाता है, हर कोई इसे लगा नहीं सकता। इसका फायदा यह होता है कि जो बैक पोर्शन होता है पशु का वो सुन्न हो जाता है और हम जो प्रोलेप्स हैं उसको आसानी से बिठाते हैं और हमें कोई ज्यादा ताकत नहीं लगती है और पशु को भी कोई नुकसान नहीं होता है इससे। तो जो इसमें दवाई यूज करते हैं वो लोकली अवेलेबल होती है, एनेस्थेटिक, जिसको लोकल एनेस्थेटिक बोलते हैं, हर वेट्स जानता है उसको, और उसको उपयोग करते हैं और उसको आसानी से पीछे का पोर्शन जो है उसको सुन्न कर देते हैं, ताकि पशु स्ट्रेन नहीं करे, और वो जो प्रोलेप्स मास है उसको आसानी से अंदर बिठा दिया जाता है। और उसका फायदा यह होता है कि पशु प्रोलेप्स बिठाने के बाद भी बहुत समय तक उसका असर रहता है तो वो बाहर नहीं फेंक पाता है। तो इसका 3-4 घंटे का एक जो एनाल्जेसिक इफेक्ट रहता है माइल्ड, तो वो बहुत अच्छे से पशु का जो यूटेरस है वो अच्छा फिक्स हो जाता है। तो इसके बारे में भी बताता है। इसमें क्या करते हैं हम लोग कि जो जॉइंट है वहाँ पे 5 ml लगभग, जो लार्ज एनिमल है उसमें 5 ml 2% लिग्नोगेन इंजेक्ट करते हैं, जिससे पोस्टेरियर भाग है उसका सुन्न हो जाता है और सर्जरी आसानी से की जाती है।